रास्ते को देखते हो, इसमें चले तो अच्छा है, बहुत आराम से पहुंच जाएंगे भाई, ऐसे तो बोलते हैं हम लोग। कभी बोले वो उबड़ खाबड़ में चलो, ऐसे बोलेंगे। अब रास्ते में भी वो तो ये इंटेलिजेंस अपना अपना तरीका है सोचने का, शक्ति। तो इसमें एक बहुत अच्छा रास्ता बन रहा था, नेशनल हाईवे बन रहा, वहां पर बहुत लोग गांव के लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होके सब बोलने लगा, अरे आजकल खाली बैठते हैं तो यही बात करते हैं, कोई भी चल रहा है तो उधर जाके खड़े हो जाते, खड़े होके बोले अरे रोड बन रहा बहुत अच्छा, ये मशीन क्या है जिसमें आंखों से देख रहा है, सर्वे मशीन, तो वो सर्वे से वो रास्ता देख रहा। तो एक गांव जो है अनपढ़ आदमी, वो बड़ा गंवारता से बड़ा मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर दे, बोला बाबूजी ये जो आप देख रहे हो इससे क्या होता क्या? बोला इससे रास्ता बनेगा, कितने बड़ी चीज है, एक शहर से दूसरा शहर, एक गांव से दूसरा गांव, इसमें करते हैं। तो आप क्या पढ़े, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं ये सब देखता हूँ, उसी के अनुसार रास्ता बनता है जिसमें जिंदगी बनती है लोग। तो ये बोलता है कि इसी को इतना पैसा खर्च करना पड़ता है और इतना पढ़ना पड़ता है। बोला तो वो हंसते हुए बोला हाँ भाई इतना तो करना पड़ता है, तुम लोग कैसे करते हो एक गांव से दूसरे? बोले हम लोग क्या, तो बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक, करते क्या हो? बोले एक गांव से दूसरे गांव में रास्ता बनाना हो तो मैं अपना गधे को कान पकड़ के ले जाता हूँ। देखिए सिविल इंजीनियर को बोल रहा हूँ, गधे को पकड़ के ले जाता हूँ, वो भूखा प्यासा रहता है, उस गांव में मैं छोड़ देता हूँ, देखिए उस गांव में छोड़ देता हूँ, और इस गांव में मेरे उसको मालूम है कि घास फूस तो इसी गांव में मिल रहा है, वो अपना शॉर्टकट निकालता है, इधर उधर से उधर उधर करके धीरे धीरे जल्दी से जल्दी पहुंचना है करके पहुंच जाता गांव में, वो ही हम लोग का रास्ता है। एक तो एक सिविल इंजीनियर इतना बेचारा पैसा लेके, इतना पढ़ लिख करके बेचारा रास्ता बन रहा, उसको बोलते हैं दिस इज द वे, हम लोग का ये है, हमारे यहाँ गधा ही सबसे बड़ी चीज है, गधा जो है वो रास्ता ढूंढता है हमारे। आज हम लोग का एग्जैक्टली यही हो रहा है, हम लोग गधा है, हम लोग रास्ता जो शॉर्टकट जल्दी से जल्दी कैसे पाए। उदाहरण के लिए आपको मैं बताता हूँ, एक टीवी चैनल चल रहा, मेरे को आप सर्वे करके बताइएगा, उसको बारीकी से समझिएगा, एक जगह जो है ना सास बहू और वो चल रहा संबंधों का, महिलाएं भी इतना अच्छा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के एक दूसरे को गाली देने के लिए एकता कपूर ने इतना शानदार बनाया है, पूछो मत। तो अब उसमें गाली दे रहे हो, मेरी बहू उसका फिर पैतरा, उसको मैं कैसे डाउन करूं, ये करूं, इतना अच्छा सिखाते हैं, इतनी लेडीज ऐसी दिखते हैं, वही साड़ी पहन के फिर अपने सास को डांटना, सासी को गाली देना, ननद को गाली, फिर वो सास भी अपने बहू को गाली देना, बीच में कोई वो आ जाता है, ये सब सीन दिखाते, बहुत अच्छा लगता है। वो एक सेकंड भी कोई आदमी अपना चैनल गवाना नहीं चाहता। दूसरा चैनल चल रहा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बारीकी समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैनल रहता है ये सीरियल, कभी छोड़ना नहीं। दूसरा चलते स्वास्थ्य, खूब सुबह, अरे भाई आपका हार्ट है, डायबिटिक है, आप अगर ब्लड प्रेशर है, लाइफ स्टाइल बीमारी पे, तो ये करो वो करो, सुबह ये एक्सरसाइज करो, अब हम जैसे लोग ऐसे बताते, वो एक चैनल चल रहा। आजकल हेल्थ में भी बहुत अच्छा हो गया, फिर कोई बोलेगा अरे अगर आपको खांसी हो तो काली मिर्ची के साथ में थोड़ा हल्दी डाल देना, वो भी अच्छा लगता, कई लोग बोलते बिना दवाई हुआ है कहीं तुम ठीक हो जाओगे, जरूरत नहीं सब हॉस्पिटल वगैरह का, वो भी हमको जो बोलता है जितना बोलता है मैं सबको सुनता हूँ, सबको फॉलो करता हूँ, लेकिन मेरा स्वास्थ्य वैसी है। चलो अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हुआ तुम्हारे करने से, मैं बहुत खुश नसीब नहीं है, फिर भाग रहे। फिर दूसरा आ गया, वो बोला ऐसे नहीं है, वो पानी पीस के ऊपर में उछलोगे तो तुम्हारे ठीक हो, तो फिर पानी पी के उछलना शुरू कर, फिर वो बोलेगा नहीं अपना सिर नीचे कर दो, पैर ऊपर कर दो, अरे बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, फिर शुरू कर दिया। तो हम लोग तो हेल्थ चैनल आजकल बहुत देने के लिए, जब से कोरोना हुआ है ना, ओहो कोरोना के कारण बाद में पता लगा भगवान पे भी विश्वास करना छोड़ दिए, भैया ये कोरोना कभी भी कुछ भी करेगा, एक दिमाग में बिठा लिया हमने, वो गंदगी बात है। तो जिसको देखो बार बार वही रिपीट करता, मैं तबियत मेरे यार कुछ तो खराब, मेरे को दिखाना पड़ेगा। छोटे से छोटे 30 और 35 साल के भी उम्र के लोग क्या सोच रहे हैं, तो वही फिर आ गया आपका स्पीच, स्पीच के कारण मेरा थॉट आ रहा है, थॉट मेरा दिमाग में बैठ गया है जो मेरा शरीर को कंट्रोल कर रहा है, मैं बार बार क्या सोच रहा हूँ, बहुत बारीकी से समझिएगा। जिसको देखो हेल्थ के लिए बहुत,
अरे बाप रे, कहीं मेरे को ये तो नहीं हो गया, अरे भगवान मेरा इधर हाथ दर्द दे रहा, मेरा हार्ट में तो कुछ नहीं होगा, तो दूसरा आ जाएगा, अरे ऐसे हो रहा है क्या, दिखा देना, कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाना। तो लोग जो है वो अपना बोल बोल करके, एक कोई मैंने आपको बताया ना, जैसे भगवान इधर घूम रहा वो तथास्त बोलता है, रोज तुम बोलते जाओ। मैं सवेरे उठते सर, यार मेरा बाया पैर, बाया हाथ दर्द हो रहा, छोटा भाई ना, बड़े भाई बोलता है बाबरी ये कैसे हो गया, तुम तो 40 साल के, आजकल तो हम सुनने में 40 साल के लोगों को भी बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो ये नहीं नहीं इसको दिखाना चाहिए, उसका पिताजी ये कब से हो रहा भाई, हेल्थ खराब है, हेल्थ खराब है, देखिए। फिर आजू बाजू वाले उसके दोस्त लोग फिर फोन में वो सबको बताता, अरे यार मेरा सिपाही हाथ में वो हो गया, मतलब हजारों लोगों का विचार, हजारों लोगों का बात जो बातचीत जो है उसके दिमाग में बैठ रहा, उसके ऊपर में भगवान तथास्तु कर रहा, वो आदमी कभी ठीक नहीं हो सकता। क्यों ठीक नहीं हो सकता, उसके रग रग में वही बात बैठा है कि मेरा तबियत ठीक नहीं है, मेरा तबियत ठीक नहीं है, मेरा तबियत 101% उसका तबियत खराब हो। अरे एक शब्द तुम बोल देते, कुछ नहीं है, आई एम फाइन, जो किच है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तथास्तु भगवान ने कहा आप ठीक हो जाओगे। जिसको देखो उसे अपने आप ही बहुत लोग तो प्लीज भगवान की दया से मैं तो क्षमा चाहता हूं, आप मत बोलना शुरू करो, ऊपर तथास्तु बैठा है, जब देखो अरे वो कान में दर्द हो रहा है तो क्या करना चाहिए, इधर गर्दन में दर्द हो तो कैसे, कुछ मतलब नहीं है, सबको तुम रेस्ट दो, एक शांति दो, ध्यान दो, जिस दिन तुम्हारे शरीर के मसल्स वगैरह लूज हो जाएंगे अपने आप ठीक होगा, ये बॉडी एक नेचुरल क्योर है, पहले दवाइयां नहीं थी तो ठीक नहीं होता, कौन सा ऐसी 99% प्राणी का नाम बता दो जाकर के डॉक्टर पर जाके बोलता हो कि मेरा मेरा तबीयत ठीक है, कोई कुत्ता या बिल्ली करता है, नहीं करता, सब लोग अपने आप ठीक होते, वैसी परमात्मा ने मेरे किया। अरे तुमको अवेयरनेस है तो लाइफ स्टाइल भोजन करो, लाइफ स्टाइल सोना, एक अच्छी सुखद नींद वो करो, फालतू चीज दिमाग मत करो, खाना आहार फालतू पिज्जा पिज्जा मत खा करके, आराम से बिना मैदा खाओ, तो मैदा करके पूरा वो आंतड़ियों को तो तुमने बंद करा दिया, पैक करा दिया, तो उसमें एंजाइम्स कैसे आएंगे, कैसे होगा डाइजेशन, अब डाइजेशन नहीं हो रहा था और एक टेबलेट खाओ, हो गई है। बोलते हैं कि आगे आने वाले 20-25 साल में हर घर में एक एक डॉक्टर साहब बैठा रहेगा, इतना बीमारियां लोगों ने पाल के रखा है। ठीक है, बोलते हैं हंसते ना कि आए पहले तो एक ही डॉक्टर था, ऐसे टोक पीट करके पूरा शरीर देख कर मस्त रखता था, और आज कान के लिए, दांत के लिए, कल तो ऐसे आएगा जबड़े के लिए अलग रहेगा, अरे कभी आएगा ये जो दांत है 32 में 32 डॉक्टर हो गए, मैं बीच वाला डॉक्टर का डॉक्टर हूं तो चलो चले जाएंगे पागल। तो क्यों ऐसे किया, क्योंकि हम अपने विचारों को इतना गंदा करके रखा है, जिसके कारण इतने सारे हेल्थ के उपक्रम और इतने सारे तैयार हो रहे हैं, ये सब ग्लोबली जो है ना पूरा एक, वो भी एक बहुत बड़ा माफिया, दवाइयां बांटना परमानेंट, आपको कोई भी बीमारी को ला इलाज है, इसको जिंदगी भर खाना है, जान बुझ करके किया गया इस षड्यंत्र, इतना समझ लीजिए। अगर मैं लाइफ स्टाइल अच्छा करूं, मस्त सो, मस्त डाइट करूं, मैं एक्सरसाइज, तीन ही चीज करी, अच्छा खाना, अच्छा सोना और एक्सरसाइज, कुछ नहीं चाहिए, आप करके देखिए। तो मैंने आपको चार रास्ते बताया, तो पहला जो चैनल है टीवी जैसे बोलते हैं पैसे के लिए, ओ मोटिवेशन आ गया, ओ पैसा है, ये लो करके क्या मोटिवेशन देता आपको, बैठे बैठे हर दिन 20,000 कमाना, अरे वाह कितना बड़ा वो पकड़ बाबा, पहले साधु बाबा लग करते थे, वो ओपनली चैनल में आने लग गए, दूसरे फिर हीरो विमल का गुटखा खाओ तो एकदम ठीक हो जाओगे, कितना भ्रमित कर रहे। फिर उसके बाद में पैसे के लिए बोला तो पैसे के लिए मैं किया, दूसरा स्वास्थ्य के लिए बोला तो स्वास्थ्य के लिए उल्टा सीधा हम देखने लग गए चैनल्स में, जो बकवास कर रहे सब देख रहे। फिर तीसरा जो है ना मेरे संबंधों को, मेरे जो सीरियल है वो देखना शुरू किया, तीन हो गया, चौथा हो गया है ध्यान, साइलेंस रहो, शांति के साथ में अपना जिंदगी कैसे निकालना है उसका। मेरे ख्याल से चारों चैनल में आप आत्मसात करिएगा, कौन सा चैनल सबसे कम देखा जाता है, जो बोलता होगा कि एकदम शांत रह के ध्यान करो, उस चैनल को कोई नहीं देखता उतना,
सिर्फ आप और हमारे जैसे कुछ लोग देखते हैं, बाकी 80% लोग तो मान के चलो नहीं होगा, उनको जल्दी से जल्दी शॉर्ट मंजिल पकड़ना, जल्दी से जल्दी पैसे कैसे कमाओ, जल्दी से जल्दी मेरा रिलेशन में इधर उधर हो तो उसे लड़ाई करके उनको पैसा लेकर उनके जायदाद ले लो, वो कैसे करो, और मेरा स्वास्थ्य खराब होते जा रहा मैं बहुत जल्दी ठीक कैसे करो, यही तीन बात करते हैं आप और हम भी। चौथा बात नहीं बोलते हैं, चौथा कौन सा दरवाजा है? चौथा दरवाजा अंदर का, मैं सिर्फ बाहर का ही पसंद करता हूं, वो जो मेरे जिंदगी प्रभावित करता है, मैं अंदर के दरवाजे को जाने की कोशिश नहीं करता हूं। जिस दिन आप अंदर जाकर के साइलेंट होकर के 10 15 20 मिनट भी आप साइलेंट होकर जिंदगी बन जाएगी। अब जैसे उदाहरण के लिए क्रिकेट में देख लो, कोहली को देख लो या दूसरे आदमी को देखो, वो केरला में एक था, वो कोहली मेरे पास, उधर पाकिस्तानी ने कुछ बोला डांट दूंगा, ऑस्ट्रेलिया ने गाली दे उसको,